सीएम राइज स्कूल में भरा पानी, छोटे छोटे बच्चे पानी से निकलने को मजबूर। मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूलों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहे जितने तारीफों के पुल बांधे, लेकिन हकीकत में सीएम राइज स्कूल सिर्फ नाम के ही सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है। सीएम राइज स्कूल में अव्यवस्था का ऐसा आलम देखा गया है जहाँ पूरा स्कूल परिसर और क्लासरूम पानी भरने से तालाब जैसा दिखाई देने लगा है। सीएम राइज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों छोटे बच्चे ज़्यादा पानी देखकर डर गए। मानसून की बारिश से पहले नगर परिषद इंद्रगढ़ को नाले नालियों की सफाई कराने की सुध नहीं रही, जिसका नतीजा ये हुआ कि मानसून की पहली बारिश ने नगर परिषद क्षेत्र में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। पूरे नगर में जलभराव को लेकर नगरवासियों ने बताया कि नगर परिषद में पानी निकासी को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। जिन नाले नालियों से पानी निकासी होती थी उन नाले नालियों पर अतिक्रमण कर लिया गया है और वे नाले बंद है। पुराने नाले नालियों से बारिश का पानी और घरों से निकलने वाले पानी की निकासी नहीं होती है, जिससे जल भराव हो रहा है। नए निकासी के जल स्रोत बनाए जाने हैं, जिसे समय लगेगा तभी वह कहीं जाकर नगर को जलभराव से छुटकारा मिल पाएगा। फिलहाल मानसून सर पर है और नगर के स्कूलों सब्जी मंडी और वार्डों में पानी भरने की समस्या बनी हुई है। इंद्रगढ़ से संवाददाता शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट।